नमस्कार। आज का हमारा विषय है कलर के ऊपर। आपको पता है कलरों का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व। ग्रहों से रिलेटेड कलर होते हैं, ये आपको मालूम है। उन इन कलरों का हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। 10-12 दिन पहले हमारे सज्जन आए थे घर में, तो उन्होंने देखा भाई आप ये सब करते हो, मुझे भी देते हो, तो इसका आप वीडियो क्यों नहीं डाल देते। मैं कहा भी इस उलझन में कहाँ, समस्या में कहाँ मैं डालूं, तो कहा ये आप डालो। क्योंकि जी मैंने कलर का इस्तेमाल एक घर में एक रिवाज सा मैंने बना दिया है। वो कलर की बोतलें मैंने रखी है सब कलर की, वो सब लोग उसमें थे, मैं तो पीता हूँ देखो। लेकिन ये ग्रहों को अनुकूल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे ग्रह खराब कौन से हैं, देखो नीच ग्रह कौन से हैं और उच्च ग्रह कौन से हैं। उच्च ग्रह जो है जो तंदुरुस्त आदमी है उसे तो दवाई वगैरह खाने की जरूरत नहीं है। जो बीमार है, जो नीच ग्रह है, उनका ही इलाज करना होता है, उसकी दवाई खानी पड़ती है। तो पहले मैं आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता उनके लिए मैंने ये दिखा रहा हूँ, एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें उच्च ग्रह कौन सी राशि कौन से नंबर में होते हैं, वो नंबर कहीं भी हो सकता है, उस राशि में उस नंबर में जो ग्रह उच्च के होते हैं और किस ग्रह राशि में किस नंबर में ग्रह नीच के होते हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप ये उच्च के ग्रह ये देख लीजिए, ये आप अपनी कुंडली में देख के कर सकते हैं आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह कौन सा है, ठीक है, ये आपने देख लिया। और अब आपको मैं नीच ग्रह के जो देखिए किस राशि में नीच के होते हैं, ये है, ये आप देख लीजिए, आप अपनी कुंडली में इसे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर कुंडली में सबके ग्रह उच्च के भी होंगे या नीच के भी हों, कुछ कुंडलियों में ना उच्च के होते या नीच के भी होते, ये भी देख लेना, ठीक है। वो खाने खराब में बैठे होते हैं, खाना खराब मानते हैं, 6 नंबर खाने को, 8 नंबर को, 12 को गलत खाना मानते हैं, गलत भाव मानते हैं। तो जिसमें देखो नीच के हैं उसका तो इलाज आपने करना, क्योंकि वो बीमार है, उनका इलाज करना। क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं डाल पाया, मैं कह ये उपाय है जो करते हैं मेरे पास, मैं उन देखो ये अपने एक राज मैं खोल रहा हूँ। मेरे पास मैं जहाँ भी जाता था बोतलें ढूंढता अलग अलग कलर, जहाँ भी जाता मैं पीछे बाहर भी गया, वहाँ वाइन शॉप में गया, मेरा मतलब विस्की से नहीं थे, मुझे मतलब उस कलर की मुझे बोतलें चाहिए थी, वो बोतलें मैं उठा लाता हूँ हर कलर की जो मुझे चाहिए होती है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कलर की बोतलें होती है, उतनी जाती। देखिए ये कलर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मैंने अपने घर में ये सभी बोतलें सभी ग्रहों की बोतलें रखी हैं और सुबह उसमें सब में पानी भरा जाता है और जैसे जैसे डे होता है, मंडे को सोमवार को सूर्य का होता है उसमें से बात पानी पिया जाता है, बाकी घर के भी उसमें से पी लेते हैं, ठीक है, ये कोई बात नहीं है। क्योंकि ये जो उपाय है ये अहित करना, इसने हित ही करना है, इसने आपको बचाना ही बचाना है। जो ग्रह गलत काम जो गलत दिशा में गलत आके आपको गलत कुछ कर सकते हैं वो नहीं करते, क्योंकि जल आ गया और कलर आ गया, कलर के बीच में और बीच में मैं क्या करता हूं कि चंदर जो वाइट बोतला उसमें मैं आपको बता दूं, पहले बता दूं उसमें बल एक वाइट दूध जैसी वाइट बोतल मिलती है, मैं लाया हूं, ठीक है, वो सोमवार की होगी। हाँ, इतवार संडे के लिए सूर्य के लिए तामर कलर का हो, मतलब के तांबे जैसा रंग हो, नहीं है तो पिंक ले सकते हैं, ठीक है।
सूर्य के लिए, वो चंद्र के लिए व्हाइट हो गया, बिल्कुल दूध जैसा व्हाइट हो गया, मंगल के लिए रक्त लाल, बुध के लिए हरा मिल जाती हैं, बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए पीला येलो, शुक्र के लिए व्हाइट दही जैसा कलर, दूध जैसा नहीं व्हाइट, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मतलब व्हाइट से थोड़ा सा कम व्हाइट मिल जाती हैं। और शनि के लिए काली बोतल भी मिलती है, राहु के लिए नीली, और केतु के चित्त का बरा काला चिट्टा, वो तो किसी ने, मैंने उसको काला चिट्टा बहाते कलर भी कर दिया था, ऐसे ऐसे दबके मार के ना काला चिट्टा, तो वही बोतल बना दी थी। उसमें क्या होता है, हमने उस बोतलों में जो चंद्र का है उस बोतल व्हाइट में, जो मंगल का है लाल में, जो ग्रीन, ऐसे सब बोतल में वो जंतर हम डाल देते हैं। ये आज आपको मैं राज खोलने लगा, मैं लोगों को ये बोतल देता, उसमें जंतर डाल के देता था, उनको 100% आराम आता था। आराम आता उसके भाई उनके अनुकूल हो जाते हैं, ग्रह उनके अनुकूल हो जाते हैं, आराम तो आएगा ही आएगा। वो मैंने उसमें डाल के देता। अब ये मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि अब आपको मेरे पास आने की जरूरत ना रहे, जो आते थे अब आप खुद घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे रीति रिवाज ऐसे होते थे, हमारे ये रीति रिवाजों की बात है ना, ये रीति रिवाज ऐसे होते थे जिससे हमें कभी कोई ग्रह, हमें किसी ग्रह का दोष नहीं लगता था। हम रिवाज ही ऐसे हमारे घरों में बनाए हुए थे। जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे चीज़ें बदलती गई और वैसे वैसे हम उलझनों में समस्याओं में ज़्यादा आते गए। तो मेरा तो वही सिस्टम है, मैं तो पुरानी परंपरा का लेकर ही चलता हूँ, उससे मुझे आनंद आता है, मज़ा आता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता और आराम मिलता है, निजात मिलती है। आप ऐसा करिए, ये ऐसे बोतलें आप खरीदिए। मैं तो कहीं कबाड़ी बाजार कभी दो कभी जाना पड़ता तो मेरी तलाश होती बोतल, कलर देखता रहता हूँ। कभी बाहर जाऊँ, इधर जाऊँ, वाइन शॉप में जाकर मैं तलाश करता रहता हूँ, किसी बोलता ना भी इस कलर की बोतल हो तो मुझे चाहिए, लेकर आना, खाली चाहिए। तो जी बे उस बोतल में जिस पीड़ा की होती पत्ती दे के मैं वो जल बना के वो जंतर डाल के देता था, उनको 100% आराम आता है। जो आज मैं राज आपके सामने खोल रहा हूँ, इस राज के कई लोग, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, मेरे अपने जान पर, वो ये बोतलों में अंदर डाल, लेकिन वो ईमानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बोतल में पानी भरते हुए उस ग्रह का मंत्र बोल बोल के पानी भरते हैं, सोने से स्वागत हो गए, मंत्र बोल बोल के वो जंतर नहीं डालते, मंत्र बोल बोल के पूरा 108 मंत्र बोल के एक बोतल भर दी, मंगल का मंत्र बोल के दूसरी बोलते पर ऐसे वो करके, वो सज्जन ऐसे करते थे। मैंने देखा उनके भीड़े लगी होती, लोग बोलते लगे जल, वो लोग कहते ये अमृत देते हैं, इससे हमें आराम आ जाता है, ये कुदरत है, ये सच है, ये हकीकत है। वही मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये कलर जो है ये ग्रहों के मुताबिक हमारी जिंदगी को एकदम बदल देते हैं, लेकिन हमें इसमें आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा। और ये सच है, क्योंकि देखो ये बुरा तो करेंगे नहीं, क्या हो गया, सुबह रोज बोतलें भरते, मैं तो ऐसा करता हूँ, सुबह बोतल मैं लेता हूँ, सबसे पहले मैं ही उस बोतल से पानी, मंगल का तो लाल से लेता हूँ, बुध का तो हरे से लेता हूँ, सबसे पहले मैं ही उस बोतलों से लेता हूँ। अरे वो ग्रह नीच है, उनका तो इलाज हो ही रहा, कोई उच्च का भी है कोई भी, कोई बात नहीं, और खुश हो जाएंगे, तो राजा ही है, उठका तो उठ गई है। ये उपाय मैंने देखो, ये रोजगार के उपाय थे, लोग ये करते हैं, कराते हैं। मैं आपको खुद कह रहा, मैं ये बोतल देता था, डाल के देता था उनको, आज आपको ये मैं राज खो रहा हूँ, इससे भी बहुत लोगों को फायदा हुआ है, हो रहा है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस उपाय से आप ग्रहों से काफ़ी कुछ निजात पा जाएंगे। आसान है, सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, लेकिन अफसोस ये है, आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली ना हम लोग
तमाशा देखने के आदि होंगे। सीधी साधी वाचा सीधी साधी चीज हमें पसंद ही नहीं आती। पहले पिक्चर आ रहे, लोग कहते मंडुआ देखे जाने तमाशा देखे, उससे पहले तमाशा मंडुआ बोलते थे, देखने जाते क्योंकि वहां फिल्में आ गई। फिर आ घर घर टीवी आ गए और तमाशे हमें आदतें पड़ गई, हमें देखने की आदत पड़ गई क्योंकि उसमें सब तमाशा ही तो है, हकीकत कहाँ पे है। फिर हम ऐसा हुआ, टाइम ऐसा आ गया, अब मोबाइल आ भी 24 घंटे हम अपने हाथ में पकड़े रहते तमाशे को, तमाशे क्योंकि हमारा दिल दिमाग जो है तमाशा देखने का आदि हो चुका, हमें सही बंदा नजर नहीं आ रहा। अरे आप पता क्या बात है, आप किसी सियाने के पास जाते हो, वहां आपको चाहिए क्योंकि आपका दिमाग तमाशा देखने के लिए रेडी हो, वहां जाते हो कि आपको कहाँ धूप बत्ती है, कहीं वो सिरे चढ़े हुए, कहीं खुशबुएं आ रही, दो चार बंदे इधर जा रहे, वो आपको तसल्ली क्योंकि तमाशा देखने की हमारी आदत चुकी, हम ऐसे हैबिचुअल हो चुके हैं, जमाना ऐसा आ गया, कसूर किसका कहे, लेकिन वहां सच नहीं हो। अब आप एक एक जगह जाते हैं, पता चलता है कि ये भी बहुत सियाना, वो आदमी सिंपल बता रहे, उसके जहां बैठे उसकी कोई फोटो नहीं, वहां कोई हार नहीं, कोई अगरबत्ती चल रही, क्या कहेंगे, आपको शौक लग जाएगा क्योंकि आपके मुताबिक वो चीज मिली नहीं है। क्यों ये क्यों? क्योंकि हम तमाशा देखने के आदि हो चुके हैं, हमें भीड़ चाहिए, डुगडुगी बजती है वहां तमाशा होता है, जहां तमाशा होता है वहां भीड़ होती है, हम ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या करें, चीजें तो वही होती है, चीजें तो साधारण होती हैं, लेकिन उसमें आराम हमें एक छोटी एक गोली देने से आराम आता है, लेकिन नहीं, हमें 10 गोलियां चाहिए तब हमें आराम आएगा। डॉक्टर यदि कहता है कुछ नहीं हुआ ठीक है, घर में को गोली रहते सुबह शाम ले लेना, आपको आराम आ जाएगा, लेकिन आपके डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है, डॉक्टर था बहुत बढ़िया था, उसे कुछ नहीं है। हाँ जहाँ जाते हैं कि हाँ जी ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो, तसल्ली हो जाती है कि ये डॉक्टर बहुत बढ़िया, क्योंकि इनसे पैसे लिए, क्योंकि हम खुद ऐसी चीजों देखने के आदि, हम सच से बहुत दूर हो गए, ईमानदारी से बहुत दूर है, हमारी आंखें सच्चे सही इंसान को नहीं दे पाती, इसलिए हम उलझने समस्याओं में ज्यादा गिर गए हैं। तो मेहरबानी करके मेरी आपसे गुंजारिश है, प्रार्थना है, प्लीज आप अपनी आंखें खोलिए, कुदरत के पाने को मानिए, ईश्वर है वो ऊपर वाला जो गॉड जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे को चलायमान है, उसने सब चीजें हमारे लिए बनाई हुई है। इसका इस्तेमाल, मैंने कहा ना पहले सारे बुजुर्ग जो हमारे संत महात्मा जो पहले थे वो इनका इस्तेमाल करते थे, उलझन समस्याओं से निजात मिलती रहती थी। अब ये जो पाए मैंने उस सज्जनपुर के कहने से, ये जो मैं करता हूँ आपको बताया है, आप इसको करिए, इससे ये करते रिवाज बना लीजिए, घर में क्या है, मुश्किल थोड़ा है, रिवाज बना लीजिए, वो किसी ग्रह का दोष लगेगा ही नहीं, सारा परिवार दोष रहित रहेगा और आपको सुख शांति, घर में सुख शांति मिलेगी। ठीक है, हाँ अब नराते चालू हो रहे हैं, परसों नराते, सैटरडे को नराते चालू हो रहे हैं, महामाई की जो जगती है, लोग जो मानते हैं उनको मैं नरातों की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं इस नराते में सबकी मनोकामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, जो वो चाहते महामाई उनको वो वरदान दे, आप सदा खुश और सुखी रहें, यही मेरा शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। नमस्कार।